हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं टायर इन्फ्लेटर के बारे में। मैं जो यूज़ करता हूँ वो ये प्रोडक्ट है, वॉशर का 802D। मैंने इसको अप्रैल 2019 में 1450 रुपये का परचेस किया था और तब से मैं इसको कंटिन्यू 1.5 साल हो गया यूज़ कर रहा हूँ। इसको मैं यूज़ करता हूँ अपने कार्स और बाइक्स दोनों में हवा भरने के लिए। जब से मैंने इसको परचेस किया है, मैं एक बार भी हवा भराने बाहर नहीं गया हूँ और काफ़ी एक्यूरेट ये हवा भरता है। कुछ इस तरह से इसका बॉक्स दिखता है। ऊपर की ओर इसे फीचर्स लिखे हुए हैं और नीचे इसकी पावर रेटिंग्स दी गई हैं। ये 12 वोल्ट डीसी सॉकेट में आपकी कार के लगता है। आप इसकी मदद से अपने कार में, बाइक में, साइकिल में और फुटबॉल वगैरह में हवा भर सकते हैं। ये इसका कैरी बैग मिलता है जो इसके रखने का काम आता है। और बात करें प्रोडक्ट की, ये काफ़ी थोड़ा हैवी है, उतना तो नहीं बट ऑलमोस्ट 1 kg के आसपास है। बट इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, देख सकते हैं। एक दो बार गिरा है बट ये कुछ हुआ नहीं, इसको अच्छे तरीके से काम कर रहा है अभी भी। और ये राइट साइड में इसमें LED लाइट्स दी हुई हैं और इसमें SOS लाइट भी है जिसको आप इस बटन की मदद से ऑपरेट करते हैं। और ये वाला जो पावर का बटन है ये ऑन ऑफ करने के लिए दिया हुआ है। और ये प्लस माइनस वाला प्रेशर कम ज़्यादा करने के लिए, ये मोड सेट करने के लिए। और बीच में जो LCD पैनल है ये इल्यूमिनेट होता है, तो अगर आपको इसको रात में भी यूज़ करना है तो आपको इजीली विजिबल होगा, देखने के अंदर आपको कोई इशू नहीं होगा इसको। तो चलिए इसका हम एक टेस्ट करते हैं कि ये कितने समय में एक टायर को भर देता है। मैंने इसके पावर सॉकेट को प्लग कर दिया है और इसके वायर को देख लीजिए, काफ़ी लंबा है। लंबी गाड़ी में भी ये पीछे तक आराम से आ जाएगा। ऐसे आपको इसको लगाना है इसके अंदर। ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, आप यहाँ प्रेशर देख सकते हैं। इसको मैंने 32 पे सेट किया हुआ है और मैं इसको ऑन करता हूँ अभी।
तो जैसा कि आपने देखा, इसने 4 PSI से 32 PSI तक इन्फ्लेट करने में लगभग 3 मिनट लिया। तो एक शॉर्ट वीडियो था वॉशर 802D का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसमें जो 6 LED लाइट्स लगी हुई हैं वो अलग अलग तरीके से फंक्शन करती हैं। अगर आप इसको बस एक बार प्रेस करते हैं तो ये जस्ट फ्लैश लाइट जलेगा, और अगर आप इसको सेकंड बार दबाएंगे तो ये SOS लाइट जलती है रेड कलर में। अगर आप एक बार और दबाएंगे तो ये जल्दी जल्दी ब्लिंक करके सिग्नल देता है। मैं लाइट बंद करके इसका डेमो देता हूँ। ये इसका नॉर्मल फ्लैश लाइट है। और ये इसका SOS लाइट है।